हाँ जी, तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं जैगुआर एक्स जे का, और ये है एक्स जे 50 हमारे पास। और मैंने सोचा क्यों ना आपको अंदर बैठ के गाड़ी के बारे में सब कुछ बताया जाए, क्योंकि गाड़ी आलीशान है, बहुत ही बेहतरीन है। ऑफिशियली ये टक्कर लेती है मर्सिडीज़ की एस क्लास से, ऑडी की A8 से और BMW 7 सीरीज से, कि ये लगभग 1 करोड़ 11-12 लाख की है एक शोरूम, तो उन बड़ी गाड़ी से टक्कर लेती है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप इस गाड़ी में बैठेंगे आपको लगेगा कि नहीं, वाकई ये टक्कर लेने लायक गाड़ी है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि ये गाड़ी देखने में तो बाहर से बेहतरीन है, अंदर से भी काफ़ी शानदार कैबिन है इस गाड़ी का। और साथ ही साथ इस गाड़ी की जो बहुत अच्छी बात है, जो बहुत ख़ास बात है, वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है एक बहुत ही बेहतरीन मेरिडियन का साउंड सिस्टम। जो उसका स्टेरियो है वो मेरिडियन का स्टेरियो है, एंड इट इज़ डेफिनेटली वर्थ लिसनिंग टू। अगर आप मार्केट में हैं ऐसी गाड़ी के लिए, तो आपको ये स्टेरियो ज़रूर एक बारी ट्राई आउट करके देखना चाहिए, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। गाड़ी के अगर हम फीचर्स की बात करें, तो आपको मिलता है टोटली डिजिटल डिस्प्ले फॉर द डायल्स, और यहाँ पे मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि बहुत बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है और बहुत अच्छा सिस्टम है यूज़ करने में। हाँ, इसके जो फॉन्ट्स हैं, जो मेन्यूज हैं, सब मेन्यूज थोड़े से आपको आउटडेटेड लगेंगे, ख़ास तौर पर अगर आप BMW या मर्सिडीज़ का मुकाबला करें, तो उन दोनों गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा सा पीछे है। ये फॉन्ट्स और ये डायल्स भी थोड़े से आउटडेटेड लगते हैं उनके मुकाबले, अपने आप में ठीक है, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे तो लगेगा थोड़ा सा बेटर होता तो अच्छा रहता। स्विच केयर की क्वालिटी और ओवरऑल यहाँ पे जो ऊपर प्लास्टिक हैं, लेदर है, लकड़ी है, अच्छी क्वालिटी के हैं, वर्थ स्पेंडिंग योर कैश ऑन, एंड डेफिनेटली इट इज़ एज गुड एज इट्स मेन राइवल्स इन द मार्केट। अगर हम बात करें सबसे अच्छे फीचर का इस गाड़ी में, तो मुझे अब तक ये लगा कि गाड़ी के अंदर चारों सीटों में आपको मसाज सीट्स मिलती हैं। आप मसाज की ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जिस टाइप का भी आपको मसाज चाहिए, या बटन दबाएं, मसाज लिखा हुआ दबाएं, और आप चलती हुई गाड़ी में मसाज ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग के लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास। बात करेंगे स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग की, तो अब बात करते हैं गाड़ी को चलाने की भी फीचर्स। तो इस गाड़ी में मैंने आपको बताई दिए, टॉप ऑफ लाइन वर्जन है, सारे फीचर्स आते हैं, मसाज सीट्स हैं, इतना बड़ा सनरूफ है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, मल्टीपल एयरबैग्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। तो फीचर्स की सारी बातें तो मैं आपको ना ही बताऊं तो अच्छा, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। बात करते हैं ड्राइविंग की, और ड्राइविंग के मामले में भी ये गाड़ी काफ़ी रिलैक्सिंग है। जो इसका डीजल इंजन आता है, जो इसका 3 लीटर का डीजल इंजन है, वो डीजल इंजन लगता ही नहीं है चलाने में। और आवाज़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो व्हेन यू स्टार्ट द कार, जब इसे स्टार्ट करेंगे, यू विल फील कि आप एक पेट्रोल गाड़ी में बैठे। इनफैक्ट मैंने जब गाड़ी ऑन करी, तो मैंने पहले देखा यार कहीं इन्होंने गलती से पेट्रोल तो नहीं थी, लेकिन पेट्रोल इसमें नहीं आती है जो एग्जेस्ट 50 है उसमें। आपको यहाँ पे रेव बैंड को देखना पड़ेगा, और जब आप रेव बैंड देखेंगे, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, ये गाड़ी वाकई डीजल है, क्योंकि जो इसका रेव का रेड लाइन है वो ख़त्म हो जाती है मात्र 4000 के आसपास, क्योंकि पेट्रोल गाड़ियों में रेड लाइन 90% होती है, तो जाती है 6500-7000 तक। तो ये बहुत ही एक तरीका है बताने का कि गाड़ी डीजल है या पेट्रोल, अगर आपको पता ना चले तो। ऑब्वियसली स्टिकर तो सब जगह लगे हुए हैं और पेपर्स पे भी डीजल लिखा है, लेकिन अगर आप गाड़ी में पहली बार बैठे हैं, या किसी को बताना है, या किसी को सिखाना है, तो ये तरीका एक है। खैर, जैसे मैंने कहा, रिफाइनमेंट के मामले में गाड़ी इज़ एक्सलेंट, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक डीजल गाड़ी में बैठे, पेट्रोल के तरह रिफाइनमेंट है इसकी। और चलाने में भी रिलैक्सिंग गाड़ी है, क्योंकि कैबिन के अंदर बाहर की बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। इसका जो कैबिन है, इसकी आइसोलेशन इज़ एक्सलेंट, इट्स अ वेरी वेल आइसोलेटेड कैबिन, कोई आवाज़ अंदर नहीं आएगी आपको। और थोड़ी बहुत आवाज़ जो आएगी, वो आएगी बहुत दूर, जो दूसरी गाड़ियाँ हॉर्न दे रही होंगी एक दूसरे को उनकी। अपने आप में ये गाड़ी बिल्कुल भी शोर नहीं करती है, डीजल इंजन की रिफाइनमेंट अच्छी है, आइसोलेशन बहुत बढ़िया है, और गाड़ी चलाने में भी ऐसा मैंने कहा काफ़ी अच्छी है। XJ की सबसे अच्छी बात मुझे लगी इसकी एफर्टलेस ड्राइविंग, जो इंजन की परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, साथ साथ ही जो इसका स्टेयरिंग व्हील है वो भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। इट्स गॉट द राइट अमाउंट ऑफ वेट, ना बहुत भारी है ना बहुत हल्का है, लेकिन फील सम स्टेयरिंग व्हील है। अगर आप इसे नॉर्मल मोड पे भी चलाएंगे, ज़्यादा स्पोर्टिंग मोड नहीं चूज़ करेंगे, तब भी ये आपको अच्छा फीडबैक देगा। काफ़ी बेहतरीन स्टेयरिंग व्हील है, जो इसके ये फ्लैपी पेडल्स दे रखे हैं पीछे स्टेयरिंग के, इनसे आप गियर्स भी चेंज कर सकते हैं, और जब आप गियर चेंज करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि गियर बॉक्स का बहुत फास्ट गियर बॉक्स है, 8 स्पीड का गियर बॉक्स है, लेकिन अगर आप ऊपर के गियर लें या नीचे के गियर लें, तो दोनों ही गियर्स आप बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं इन फ्लैपी पेडल से। इट्स एन एक्सलेंट गियर बॉक्स इन टर्म्स ऑफ यूजेज। और जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बेसिकली ये कि दिस इज़ अ ग्रेट कार फॉर रिफाइनमेंट, दिस इज़ अ वेरी गुड कार फॉर ड्राइवेबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर इंजन में टर्बो लैग ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का तो हर गाड़ी में होता है डीजल में, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं है।
वो चलाने के मामले में अच्छी है, रिफाइनमेंट में अच्छी है, बैठने में तो शानदार है ही, सीट बहुत कंफर्टेबल है, मेरिडियन का बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है और राइड कंफर्ट भी इस गाड़ी का बहुत अच्छा ऐसा लगेगा आपको जैसे आप बादलों पर गाड़ी को लेके चला रहे हैं, क्योंकि इसकी राइड इतनी अच्छी है कि ऊबर खाबड़ रास्ते, गड्ढे पड्ढे जो भी है गंदे रोड बीच में, वो कुछ भी आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। सो इट इज़ एन एक्सलेंट का इन दैट सेंस इन टर्म्स ऑफ राइड कम्फर्ट, ओवरऑल एजिलिटी ऑल्सो इज वेरी गुड एंड इट कैन डेफिनेटली बीट इट्स मेन जर्मन राइवल्स इन दिस सेगमेंट। आई वुड रिकमेंड दैट यू चेक दिस कार आउट एंड यू नो इफ यू इन द मार्केट फॉर दिस काइंड ऑफ कार, आप जर्मन राइवल्स को भूल जाएं और टाटा की ओनरशिप में जो जैगुआर कंपनी है उसकी गाड़ी को जाके देखें जो XJ है। अगर आपके पास इस टाइप का पैसा रखा है, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस कार। हाँ जी, तो अब बात करते हैं मेन बात की, और वो ये है कि गाड़ी की बैक सीट कैसी है, क्योंकि 90% लोग इस गाड़ी को फ्रंट सीट के लिए नहीं लेंगे या चलाने के लिए नहीं लेंगे। जो 1-1.5 करोड़ खर्च करता है इंसान, वो पीछे का आराम देखता है, और उन लोगों के लिए मेरे पास अच्छी खबर है, और वो खबर ये है कि गाड़ी की सीट्स अपने आप में बहुत कंफर्टेबल हैं। सपोर्ट फॉर योर अंडर थाइज इज़ वेरी गुड, सपोर्ट फॉर योर लोअर बैक इज़ एक्सेलेंट एंड द सीट्स देमसेल्व्स आर जस्ट वेरी कंफर्टेबल। लेग रूम जैसे आप देख सकते हैं मैसिव है, होना भी चाहिए क्योंकि 5.5 मीटर की ऑलमोस्ट गाड़ी के लेंथ में 5.25 की है, तो व्हील बेस भी अच्छा खासा है, तो लेग रूम तो अच्छा होना चाहिए, हेड रूम भी ठीक ठाक है। मेरी हाइट है 5'10". अगर आप 6'1" या 6'2" या 6'3" तक के भी हैं तो भी हेड रूम और नी रूम आपके लिए यहाँ सफिशेंट रहेगा। जो इस सीट को बनाती है खास, वो तो एक बात ही है कि इसमें मसाज फंक्शन है दोनों सीटों में पीछे, लेकिन एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आप इस ट्रे को ऐसे निकाल सकते हैं और यहाँ पे अपना खाना रख सकते हैं। अगर आप कहीं से आए हैं तो थकान में और खाना नहीं खाया, तो आप आराम से बैठ के सफ़र में खाना खा सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे LCD स्क्रीन आप ऑन कर सकते हैं और चला सकते हैं अपना फेवरेट शो। तो ये सब चीज़ें बनाती हैं इस गाड़ी को काफ़ी अच्छे। एक और चीज़ जो बनाती है अच्छे, वो इसका राइड कम्फर्ट, क्योंकि राइड के मामले में गाड़ी बहुत बेहतरीन है। एकदम ऐसा लगेगा आपको कि मक्खन हो गई दिल्ली की सड़कें या कहीं भी जहाँ पर रहते हों, और स्मूथ सरफेस पर आप गाड़ी चला रहे हैं। सरफेस नहीं है वो गाड़ी की सस्पेंशन है जो कि सरफेस को इतना स्मूथ बनाती है। एक चीज़, कुछ लोग कहेंगे ये तो दो ही सीटर है, पीछे दो ही सीट्स हैं, 3 सीट्स हैं वैसे, इसको आप फोल्ड कर सकते हैं वापस अंदर, लेकिन यहाँ पर टनल बहुत ऊँचा है, तो बेस्ट है कि दो ही लोगों को रखें और वो दो लोग खुश रहेंगे, क्योंकि आपको अपने AC वेंट्स मिलते हैं या चार्जिंग पॉइंट है और आर्मरेस्ट निकाल के बैठने में ही मज़ा है। तो ओवरऑल मुझे लगी जैगुआर XJ एक बेहतरीन ऑलराउंडर। अगर आप लकी इनफ हैं, इतने पैसे आपके पास हैं, आपकी मार्केट में ऐसी गाड़ी खरीद सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये चेकआउट करनी चाहिए। भूल जाइए सारे इसके राइवल्स को, जर्मन राइवल्स को, और ख़रीदिए टाटा ओन्ड जैगुआर की XJ। मैं दूंगा इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोर 90/100 में से। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो टुडे एज मच एज यू लाइक ब्रिंग इट टू यू। बाय फॉर नाउ एंड होप टू सी यू सून।